Congress veteran Rashid Alvi today slammed the BJP for roping in Prime Minister Manmohan Singh's brother into their ranks. Speaking in New Delhi today, Congress leader Rashid Alvi took pot shots at BJP member Subramanian Swamy for his unpredictable actions. देखिए सुब्रमण्यम स्वामी कुछ भी कर सकते हैं, इस देश के लोग उनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और यही वजह है कि उनको कोई भी संजीदगी के साथ नहीं लेता है और अगर उन्होंने किया है तो ये एक देश विद्रोही काम है. अलवी सेड डॉक्टर मनमोहन सिंह्स ब्रदर नीदर हैड एनी एक्सपीरियंस नॉर एनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग. ही लैम्बास्टेड द बीजेपी फॉर बीइंग ओब्लिवियस टू इंडियाज पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट्स एंड कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस. उनकी कोई अहमियत नहीं है, उन्हें देश के लोग जानते भी नहीं हैं, उनकी राजनीति में कोई हैसियत नहीं है. उनकी अहमियत सिर्फ ये है कि वो प्रधानमंत्री के भाई हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी समझती है कि उनके पास अपने कोई लीडरशिप नहीं है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम वो नहीं लेते, गोलवालकर का नाम वो नहीं लेते, वो कांग्रेस के लीडर्स के नाम लेते हैं वोट हासिल करने के लिए. लाल बहादुर शास्त्री का नाम ले रहे हैं, सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं और अब वो यहाँ उतर आए कि प्रधानमंत्री के भाई को साथ लेके शायद हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए. तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है. दिस रिपोर्ट इज़ ब्रॉट टू यू बाय NNIS.